उधर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक साड़ी सेल में दो महिलाओं के बीच लड़ाई हो गई, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें भीड़ में दो महिलाओं के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी होते दिखाई दिया। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को बाल पकड़कर गिराने की कोशिश भी की। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। बताया गया कि घटना मल्लेश्वरम के मैसूर सिल्क्स की है, जहां साड़ी की सेल लगी थी। तभी दो महिलाओं में किसी बात को लेकर मारपीट शुरू हो गई। तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि तुर्की की सेना ने सीरिया और इराक में 21 कुर्द लड़ाकों को ढेर कर दिया। कुर्द लड़ाकों को तुर्की आतंकी मानता है, क्योंकि कुर्द लड़ाकों ने पिछले 3 दशक से तुर्की की नाक में दम कर रखा है। तुर्की में धमाके करने और लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश करने के पीछे अक्सर उनके ही हाथ होते हैं। यही वजह है कि तुर्की की सेना भी लगातार कुर्द लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन चलाती रहती है। दावा है कि इसी कड़ी में तुर्की के जवानों ने पिछले 4 दिन के अंदर उत्तरी सीरिया और उत्तरी इराक में 21 कुर्द लड़ाकों को मार गिराया। तुर्की के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि उनकी सेना कुर्द लड़ाकों के खिलाफ